नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। भिवानी में एक नई पहल की शुरुआत हो गई है, जहां पर दो बहनें दुल्हन के रूप में घोड़े पर बैठकर के बनोरा निकाला। वहीं दोनों बहनों ने बताया कि ये बनवारा लड़कों की तरफ से किया गया है और इसके लिए उन्हें बेहद खुशी है। उनका कहना है कि इस तरह से समाज की रूढ़ियों को खत्म किया जा सकता है। लड़की के परिवार वालों की सोच सबसे अलग है, जिससे ये सोच समाज को शायद नई दिशा देगी। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। भिवानी में आज कंचन में मोनिका ने अपनी शादी की घोड़ी में बनवारा निकाल करके नई पहल की शुरुआत कर दी। आपको बता दें कि ये दो लड़कियों की शादी कल होने वाली है। हिंदी रीति रिवाज के अनुसार लड़की दो या तीन दिन पहले बांध बैठाया जाता है। दहेज प्रथा व कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को छोड़ करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देते हुए इन दोनों बेटियों ने घोड़े पर बैठ करके बांध निकाला, जिसमें दुल्हन समेत परिवार के लोग शहर में डीजे के गानों पर महिलाएं बच्चे व पुरुष भी थिरकते नजर आए। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। क्या नाम आपका? मेरा नाम कंचन है। जी, क्या करोगे इस तरह के अवसर को देखते हुए? क्या करोगे? मुझे बहुत खुशी हुई है। पहले के टाइम में जो लड़कियों को पूरा मतलब इग्नोर किया जाता था, अब उनको बिल्कुल इक्वल लिया जाता है। जैसे कि आज मेरी शादी, मतलब कल मेरी शादी है और आज मेरा बनवारा निकाला गया, वो लड़कों की तरह एकदम घोड़ी पे और डीजे के साथ लाया गया। मैं अपने परिवार वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो लड़के एम ए परमिशन को क्या मैसेज देना चाहती हूँ? मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को लड़कों से कम ना समझो, उन्हें पूरा मौका दे बाहर निकलने का, वो लड़कों के बराबर तुम्हारा नाम कमा सकती है। कितना गर्व आपको महसूस हो रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। मेरा नाम मोनिका है और मैं अपने पेरेंट्स का बहुत बहुत अच्छे से ये कहना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे लड़कों के बराबर रखा है, उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा भी दी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आने वाले जनरेशन में सभी लड़कियों को इक्वल ही रखा जाए। पहले ये होता था कि लड़कियों को घरों में रखा जाए, वो चूल्हा चूल्ही में रहे, लेकिन आजकल लड़कियों को इस चीज़ से प्रेफर किया जाता है, लड़कियों को लड़कों के बराबर रखा जाए। और मैं अपने फैमिली का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे एक लड़की की तरह बनवारा निकाला गया। घोड़ी डीजे बैंड सब जोर शोर के साथ धूमधाम से मेरी लड़कों की तरह शादी अटेंड करवाई जा रही है। आजकल मेरी शादी है और मैं फैमिली में बहुत अच्छी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग जो लड़कियों को नीचा समझना चाहते हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ लड़कियों को लड़कों से कम ना समझे। वो आजकल हर जनरेशन हर चीज़ हर पॉलिटिकल समाज कल्चर आदि हर चीज़। मेरा नाम कृष्णा मारवाड़ है, मैं भिवानी क्षेत्र से हूँ। आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज के ज़माने में लड़कियाँ किसी भी कार्य क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो घर के काम में हो, चाहे आज पायलट भी एक लड़की है। तो मैं चाहती हूँ और मेरा परिवार मेरा ससुराल अपने बहुओं को समान अधिकार देता है, हमारे पर कोई रोक टोक नहीं है। और आज मेरे ननदों के साथ ये बिल्कुल लड़कों की तरह उनका बांध वगैरह निकाला है, तो हमें बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ के लिए। ऐसा परिवार भगवान सबको दे और ऐसे जो मैं देता है सम्मान वो सभी लड़कियों को मिले, जैसे आज एक प्रकार होती है लड़कों के पर वो ना हो। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि बहुओं को भी सम्मान समझे, उन्हें बेटे को सम्मान दे, वो हर काम के लिए समझे, बस उनका हम साथ दो वो देखो काम से काम कर जाएंगे। क्या मैसेज देना चाहूँगा? मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि बेटियाँ किसी भी तरह से बेटों से कम नहीं है, बेटियों को पढ़ाओ बेटियों को बढ़ाओ। कितनी खुशी में वरना बहुत खुशी में पूरा परिवार हमारा खुश है।